بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وكما قال عليه الصلاة والسلام. अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और अनुग्रह है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाला बनाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाला तो हमें बनाया, लेकिन उसकी हमें कदर करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिंदगी दी है, ये जिंदगी खत्म होने वाली है। पहली से पांच में आता है, जब किसी मोमिन बनने के मौत का वक्त होता है तो आसमान के दरवाजे होते हुए जहां से उसके लिए रिस्क उतरा जाता था, और जमीन के वो टुकड़े होते हुए जहां बैठकर नेकी और इबादत किया करता था। इसकी मौत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देते हुए कि मेरा नेक बंदा था, जब इसका जनाजा उड़ाया जाए और जिस रास्ते से गुजरे तो उस रास्ते के दोनों तरफ उसके इस्तेमाल के लिए खड़े हो जाता। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देते के ये नेक और बहुत अजीज बंदा था के घर से लेकर कब्र तक इस्तेमाल के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को खड़ा कर रहे। हदीस पाक में आया है कि हजरत इसहाक रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत पर आसमान से इतने फरिश्ते उतरे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पटरियों के बल चल रहे थे। किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी क्या है? आपने फरमाया, आसमान से इतने फरिश्ते उतरे हैं कि पांव रखने की जगह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत पर तो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श भी होया था। अल्लाह तबारक व तआला के कितने अजीब व गरीब हम देशों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितना अजीब व गरीब मंजर रखा कि फरमाते हैं, जो औरतें मयत पर बैन करके रोती है यानी नौहा करके रोती है, रोजे मक्षर इस पर बहुत से वईदे नाजिल हुए। रोजे मक्षर हमने सामने जो कतारें लगाई जाएंगे और 50,000 साल तक वो कुत्तों की तरह भोंकते रहे, कितनी सख्त वही फरमाई। हजरत अली सल्लल्लाहु से रिवायत है कि जो शख्स जनाजे को देखकर अल्लाहु अकबर सदकल्लाह हादा मा वअदल्लाह व रसूलहु अल्लाहुम्म ज़िदना ईमाना, अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है, अल्लाह सच्चा है, अल्लाह उसके रसूल का वादा है, ये अल्लाह हमारे ईमान और तस्लीम को बनाए कि परे तो पढ़ने से लेकर रोजे कयामत तक उसके 20 नेकियां रोजाना लिख दी जाएगी। इतना सस्ता सौदा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की मौत हुई तो किसी ने खौफ में देखा और पूछा, हजरत आप पर क्या मामला हुआ? तो उन्होंने फरमाया कि एक कलीमे की वजह से मेरी बख्शिश कर दी गई। तो शख्स ने पूछा, और कलीमा क्या है? तो हजरत इमाम मालिक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, ये वो कलीमा है कि जनाजे के वक्त हजरत उस्मान बिन रज़ियल्लाहु अन्हु देखकर पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल हय अल्लज़ी ला यमूत। कि जब किसी नेक आदमी की मौत का वक्त होता है, जब उसका जनाजा उठाया जाता है, तो जितने लोग उस जनाजे में शिरकत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी की बरकत की वजह से उन तमाम के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी जन्नती का इंतकाल हो जाता है तो
तो जितने लोग उसके जनाजे में शिरकत करते हैं और जो लोग उसका जनाजा उठाते हैं या उसके लिए दुआ रहमत करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला को अजाब देते हुए हया आती है। ये बहुत सोचने का मकाम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मरीज को दफन करते हैं तो आपसे पहले दुआ फरमाते हैं, या अल्लाह इसे शयाती कब्र और सवाल जवाब के वक्त साबित कदम करना। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि जब मैं मरूं तो मेरी कब्र की तरफ सूरह फातिहा और पाइकी की तरफ सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ी जाए। हजरत उमर की नास रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि जब मैं मरूं और मुझे दफन किया जाए तो कब्र के पास थोड़ी देर ठहरे रहना ताकि मुनकर नकीर के सवाल के वक्त मुझे रुसवाई ना हो। हदीस में आया है जब मोमिन बंदा कयामत के दिन उठेगा और अल्लाह तबारक व तआला को देखकर मुस्कुराएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको देखकर मुस्कुराएंगे तो एक तरफ से आवाज आएगी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमईना इर्जिई इला रब्बिकि राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादख़ुली फ़ी इबादी वादख़ुली जन्नती। कि जब किसी माँ की गोद से बच्चे की रूह कब्ज की जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बंदे के दिल का फल छीना है तो इस पर इसने क्या रद्द अमल किया। तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसने आपकी तारीफ की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन करा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे उस बंदे के लिए बैतुल हम तैयार किया जाए। जब किसी नेक बंदे को कब्र में रखा जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि मेरा नेक बंदा थका मानदा आया है, उसे कह दो नम बनौमती उरूस यानी दुल्हन की नींद सो जा। जब बंदा ये अल्फाज सुनता है तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है। ये नेकियों का फल होता है। मरने से पहले इंसान के तीन भाई हुआ करते हैं। एक भाई तो इंसान की रूह कब्ज होती है, उसका जान छोड़ जाती है यानी उसका माल। जैसे ही इंसान की रूह कब्ज की जाती है माल उसका साथ छोड़ देता है। दूसरा भाई होता है वो है इंसान के रिश्तेदार, कि वो कब्र तक उसे छोड़ आते हैं। और तीसरा जो है उसके साथ हमेशा रहेंगे वो उसके नेक अमल है। अगर इंसान ने नेक अमल किए होंगे तो जन्नत में दाखिल होगा, अगर नहीं किए होंगे तो जहन्नम उसकी मुकद्दर बनेगी। तो हम किसी दोस्त अहबाब के रिश्तेदार वगैरह के मौत पर होते हैं लेकिन जाने वाले को रोने से कुछ मतलब नहीं होता। अकलमंद इंसान वो होता है जो मौत के पहले दिन ही वही कुछ करता है जो आदमी की सहेली करते हैं। तीसरे दिन आदमी क्या सब्र कर ले। अगर मौत के पहले ही नहीं सब्र कर ले तो क्या हर्ज है। बात अपनी जगह पर हकीकत है कि मरने वाले को बहुत दुख होता है, लेकिन वो दुख इस बात का होता है कि हर इंसान को इस दुनिया से जाना है। आज ये गया है कल हमारी बारी, मौत से है किसको रुस्तगारी, आज हो कल हमारी बारी, ये हकीकत है। अफसोस तो इस बात का होता है कि हम उस एक आदमी की खिदमत न कर सके और उनकी दुआओं से जो हिस्सा मिला करता था वो अब हमें हिस्सा नहीं मिलेगा। बल्ले अल्लाह तबारक व तआला के इतने मुकर्रम होते हैं जब वो हाथ उठाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फौरन उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। जब मलकुल मौत किसी के घर पर रूह कब्ज करने के लिए जाते हैं तो घर वाले रोना शुरू कर देते हैं, तो मलकुल मौत एक कोने में खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी तो मुझे बार बार इस घर में आना है और यहाँ जितने लोग हैं आखिरी दम तक जितने लोग रहेंगे तो उस वक्त तक आता रहूंगा और हर एक के रूह को कब्ज करता रहूंगा। अगर इस आवाज को इंसान सुन ले तो मुमीद पर रोना भूल कर अपने आखिरत की फिक्र में लग जाए। आज हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें कि हमने अपनी मौत के लिए क्या
क्या तैयारी कर रखी है, क्या हमने अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया है, क्या हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत बस गई है। कयामत के दिन दिलों को खोल कर देखा जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है या नहीं, बहुत सी नमाज की सुरू और जो सीने में हुआ वो जाहिर हो जाएगा। आज ही अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है कि हमारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत बस जाए, उसके अजवारात हमारे दिलों में आ जाए, हमारे जिंदगियों में सच आ जाए। इसलिए मौत के वक्त जुबान से वही निकलेगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम पर चलेगा, मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम आएगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम पर जिंदगी नहीं गुजारेगा तो मौत के वक्त अल्लाह तबारक व तआला का नाम जुबान पर नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिंदगी दी है हमें तैयारी करने के लिए दी गई, इस जिंदगी की कदर करनी चाहिए। क्या हम बार बार सुनते हैं कि आज पूरा चला गया, कल पूरा चला गया, एक वक्त आएगा हम भी चले जाएंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं होगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम उतारे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज़ नमाज को फर्ज फरमाया, रोजों को फर्ज फरमाया, ज़कात को फर्ज फरमाया, अगर हम इन तमाम अहकामात को कर गुजरेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देने में बहुत आसानी होगी। इसलिए हर कोई अपनी जिंदगी का जायजा ले, किसकी जिंदगी कितनी बाकी है कोई नहीं जानता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिंदगी दी है इसको गनीमत समझे और अपनी मौत की तैयारी करें। अगर इंसान की कब्र का मसला हल हो गया तो आगे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, अगर कब्र में भी इंसान का मसला हल नहीं हुआ तो आगे के तमाम मसाइल हल नहीं होंगे, बहुत परेशानियां होंगी। इसलिए अभी से हमें अपनी जिंदगी की कदर को समझे और अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिंदगी दी है इसको सही कामों में इस्तेमाल करें और मौत से पहले पहले मौत के लिए तैयारी करें। अगर हम अभी तैयारी करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अगर तैयारी नहीं की तो नाकाम हो जाएंगे। इसलिए हर इंसान खुद अपना फैसला करे कि मुझे दुनिया में कितने दिन रहना है और आखिरत के लिए कितनी जिंदगी गुजारनी है। इसलिए हर एक अपनी जहन में ये बात बिठा ले कि हमें इस दुनिया से जाना है, ये बात हक है। आप किसी काफिर से भी पूछेंगे तो मौत का इनकार नहीं करेंगे कि उन्हें भी बता दे कि हमें अपने परवरदिगार के पास जाना है। तो हमें जो जिंदगी मिली है उसकी कदर जाने और मौत के लिए हम तैयारी करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कहीं भी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।